व पूर्व डीएस बरेली श्री विजय के हैरिसन ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता में पादरी एल्बर्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि एक दिन पूर्व पादरी एल्बर्ट ने बहुत से गंभीर आरोप चर्च के अधिकारियों पर लगाए थे, जिसके चलते पादरी हैरिसन ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि पादरी एल्बर्ट का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। आए दिन यह अनर्गल आरोप किसी ना किसी पर लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां भी इनका ट्रांसफर किया जाता है वहां भी ये नए नए विवाद खड़े कर देते हैं, और इनका पूरा प्रयास यही रहता है जिस चर्च में जाएं वहां का पूरा पैसा इनके हाथों में रहे। पादरी एल्बर्ट ने हाल ही में विलियम दिलावर व उनके रिश्तेदार जो सदर चर्च के ट्रेजरार के विरुद्ध भी वेतन ना देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो जांच में झूठे पाए गए हैं। पादरी हैरिसन ने यह भी बताया कि पादरी एल्बर्ट व उनके परिवार वालों ने मीरगंज चर्च भूमि को बर्बाद कर दिया है व अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, पादरी एल्बर्ट व उसके परिवार वालों ने सिविल लाइन्स स्थित जूनियर स्कूल संपत्ति को भी बर्बाद कर दिया है व दिगर व्यक्ति का कब्जा करवा दिया है, और सिविल लाइन्स स्थित पुरोहित निवास पर भी अवैध कब्जा कर रखा है, और उनमें गुटखा सिगरेट पान तंबाकू की दुकान खोल ली है, और उसके साथ ही थोड़ी दूर पर ही सिविल लाइन्स स्थित अन्य लगभग 400 गज भूमि पर भी अवैध कब्जा कर मकान बनाकर अपने रिश्तेदार को कब्जा करवा दिया है। पादरी हैरिसन का यह भी आरोप है कि पादरी एल्बर्ट व उनके परिवार वालों ने एक विद्या एजुकेशन सोसाइटी बना रखी है, जिसकी स्वयं पदवी एल्बर्ट अध्यक्ष बने हुए हैं व बाकी पदाधिकारी मेंबर इनके परिवार के ही है। पादरी हैरिसन ने आरोप लगाते हुए कहा, मैं रेवरेंड विजय कुमार हैरिसन, वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल हूँ और सोमानगर चर्च का पादरी हूँ और 169 बरेली में रहता हूँ। आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि जो अभी एक नया प्रकरण सामने आया है, एक आपके पास्टर हैं पादरी एल्बर्ट जो सदर कैट चर्च के पादरी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, एक शिकायत की है चर्च के उच्च अधिकारियों के खिलाफ और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, मुझे आज ही पता चला है, और उन्होंने एक कोई वीडियो जारी कराया है और कुछ शिकायती पत्र दिया है, वो व्हाट्सएप पर चल रहा है, तो वो मैंने पढ़ा और उसको पढ़कर मुझे थोड़ा हैरत में भी आया और हंसी भी आई कि ये पादरी अल्बर्ट बेंजामिन, जिनको मैं अब से नहीं, जब से ये पादरी बने हैं लगभग 2000 के आसपास से, फिक्स नहीं बता सकता, ये जरूर है 2000 के आसपास से पादरी हैं, जब से ही इनका इतिहास ये रहा है, ये हर समय विवादों में रहे, ये पादरी रहे सहजवान में रहे, तो वहाँ पर वहाँ की जो मसीह समाज था वहाँ पर इनका विवाद रहा, उन्होंने वहाँ पर चर्च में अपना गाउन उतार के जला दिया, फाड़ दिया, उस पर भी इनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन इनको माफ़ कर दिया गया। तरह तरह के इन्होंने उसके बावजूद और चर्च में रहे, कभी भी ये कहीं सक्सेस नहीं रहे, लेकिन ये अपने इस स्वभाव से कभी इन्होंने बदला नहीं, चेंज नहीं हुए, और ये इसी में आगे बढ़ते रहे। इनका स्वभाव है कि जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको ये ऐसे ही अपने दबाव में लेने का प्रयास करते हैं और नाजायज दबाव डालकर उनसे ये अवैध वसूली करने का प्रयास करते हैं। ये इनके द्वारा बार बार ऐसा किया जाना, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? कारण जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं बताऊँ आपको, मैं 2019 मई के आसपास बरेली जिले का जिला अधीक्षक बना था मैथोली चर्च का, और मुझको यहाँ का कार्यभार मिला, लेकिन चार्ज में मुझे कुछ नहीं मिला, एक फाइल भी नहीं मिली, और जब मैं यहाँ आया तो ये मेरे अंडर में आए, यहाँ के सदर मैथोली चर्च में ये पादरी बने और मेरे संपर्क में आए। मैंने सर्वे किया बरेली जनपद के कितने चर्च कहाँ कहाँ हैं, तो जैसे कि बरेली ज़िले में नवा आपका बिनावर है, मैथोली चर्च है, भटौली मैथोली चर्च है, भमौरा मैथोली चर्च है, आवरा मैथोली चर्च है, बीरबट्टी मैथोली चर्च है, बरेली मैथोली चर्च है, सदर मैथोली चर्च है, और आपका सीबीगंज मैथोली चर्च है, और आपका किच्छा मैथोली चर्च है, फरीदपुर मैथोली चर्च है, नवागंज मैथोली चर्च है, पीलीभीत मैथोली चर्च है, सेंट पॉल मैथोली चर्च है, इंग्लिश चर्च जो क्लेरेसन कैंपस में वो है, और एक चर्च और है फतेहगंज, और एक चर्च और मीरगंज चर्च। जब मैं मीरगंज पहुंचा तो मैंने जब वहां पर सर्वे किया तो वहां एक बहुत बेशकीमती प्रॉपर्टी है,
चर्च बिल्डिंग वहाँ इन्होंने ध्वस्त कर दी है, इनके घर वालों ने, इन्होंने इनका उस पर कब्जा है। पूरा बहुत बड़ा एरिया है, वो भूखंड है और बिल्कुल छत गिर गई है, खस्ता इन्होंने तार डाल दिए हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वो चर्च के लिए है, उस पर भी इनका कब्जा है। जब मैंने वहाँ मालूम करा तो पता चला कि इस पर पादरी अल्बर्ट बेंजामिन का, उनके परिवार वालों का कब्जा है। दूसरा, जब मैं बरेली में मैंने देखा तो प्राइमरी इंग्लिश स्कूल है मिशन अस्पताल के पास में, तो वहाँ पर इनकी मदर जो हैं वो उसकी प्रिंसिपल मैनेजर हुआ करती थी, तो वो इन्होंने स्कूल बंद कर दिया और इस स्कूल की वो अरबों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, उसके खस्ता हालत है। और यहाँ तक तो पता चला है कि किसी भूमि माफिया से मिलकर इन्होंने उसका कुछ लेन देन कर रखा है, इन्होंने कुछ कागज़ कर दिए, उनका एक हिस्से कब्जा भी करा दिया है। ये पूरा शहर, पूरे हमारे अधिकारी सब विदित है इस बात से, सब जानते हैं इस बात में। पादरी परमिंदर वैसी ने रेवरेंस यूनिवर्सिटी को लिखकर भी पूछा था ये इस स्कूल में क्या हो रहा है, उसी स्कूल को उन्होंने बंद करके उस पर इन्होंने अपने मदर के नाम से, विद्या एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से इन्होंने रजिस्टर करा रखा है। उसके अध्यक्ष ये अल्बर्ट बेंजामिन है, ये चर्च की प्रॉपर्टी है, मैथोडिस्ट चर्च की प्रॉपर्टी है, NIRC के अंतर्गत आती है। उसके बिशप हमारे डॉक्टर बिशप अनिल कुमार सरवन वो हैं, जॉन साहब हैं, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी सुनील मसीह हैं, ट्रेजर रेवन परविंदर मसीह हैं, मैं HDS एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेम्बर हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो क्राइस्ट मैथोडिस्ट चर्च चौकी चला के पास है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आवास है पुरोहित का, जो क्राइस्ट चर्च में पास्टर बनेगा वो उस आवास में रहेगा। लेकिन क्या फादर स्वर्गीय बेंजामिन बिलाल यहाँ के पास इंचार्ज थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से इन्हीं लोगों का उस पर कब्जा है, पूरे भूखंड पे, पूरे भवन पे उनका कब्जा कर रखा है इन्होंने। और एक हिस्से चर्च के बैक साइड में जो महिला थाना है उधर इन्होंने बहुत बड़ी कैंटीन बना ली है, और जो सब धूमपान आदि 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 क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप जाकर देख सकते हैं, ये इनके कब्जे में। तीसरा, इसी चर्च कंपाउंड में जहाँ दुकान उसके अगर आगे बढ़ेंगे महिला थाना से रामपुर गाड़ी साइड में को, तो सेमरई हमारी शुरू होती है, सेमरई और चर्च का जहाँ डिवाइडर है, जहाँ जो विभाजन हो रहा है, उस कोने पे एक बहुत बड़ा भूखंड था, इन्होंने अवैध कब्जा करके रोड साइड कॉमर्शियल लैंड है हमारी रामपुर गाड़ी रोड पे, सर इन्होंने अपना घर बना लिया है, उस पर इन्होंने अपने तार डाल दिए, और बैक साइड में इन्होंने अपने चाचा को लेकर दे दिया है, और चाचा ने उस पर घर बना रखा है। ये सब संपत्ति इनके कब्जे में है, आप सुने, और ये उस पर अभी भी अवैध कब्जेदार हैं। इन्हें शक ये रहता है, ये इसलिए भ्रमित हैं कहीं चर्च इनसे ये सब जमीन वापस ना ले और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उस कार्रवाई से बचने के लिए ये अधिकारियों को समय समय पर ये अपना इस प्रकार से ये दोष लगा के उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखिए पादरी लोग हैं, हम लोग सम्मानित लोग हैं, अगर इनके पास प्रूफ है विजय हसन के खिलाफ कि हमने कोई चर्च की प्रॉपर्टी बेची है, हमने कहीं साइन किए हैं, हमने कहीं दस्तखत किए हैं, हमारे कहीं अंगूठा निशानी है, ये दिखाए, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो मैं इस पर मान आने का दावा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।